मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी विल सॉल एक्सरसाइज एट पॉइंट इक्वेसन इन वन वेरियबल एल जेबरा चैप्टर एट क्लास सेवेंथ सो लेट स्टार्ट विथ एक्सरसाइज एट पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन इज आर एंडी फाइव लीनियर इक्वेशन इन वन वेरियबल इन द फॉलोइंग हमें बताना है जो फॉलोइंग हमारे पास इक्वेश वन वेरियबल इक्वेशन है या फिर मतलब लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ठीक है वन हम यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब होगी तब होगी दोज इक्वेशन विच हैव सिंगल वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड एंड हुज पावर इज़ वन कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब भी जो गिवन इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेट का सिर्फ सिंगल एक ही टर्म है और उसकी पावर भी वन है तो उस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं नो no. क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ x और y दो अल्फावेट आ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ क्या आना चाहिए सिर्फ एक अल्फ़ावेट आना चाहिए तो हम रीज़न देंगे बिकॉज दिस इक्वेशन हैव टू वेरिएबल कौन कौन से x और y यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं x और y डैट्स वाई वी कैन से डैट दैट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सेकेंड देखते हैं फाइव एक्स प्लस सिक्स वाई इक्व टू थर्टी टू ये भी नो होगा बिकॉज यहाँ पे भी एक्स वाई दो टर्म्स आ रहे हैं एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है हमें एक ही अल चाहिए अल्फावेट यहाँ पर बिकॉज दिस इक्वेशन है एक्स एंड वाई देट्स फाइव डैट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरेबल नेक्स्ट एक्स की पावर टू प्लस वाई की पावर टू इक्वल नाइन तो ये भी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स आ रहे हैं और पावर भी इनकी टू आ रही है पावर क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए तो हम रीज़न देंगे यहाँ बिकॉज दिस इक्वेशन हैव टू वेरिएबल एक्स एंड वायर विथ पावर टू इसलिए नहीं होगा नेक्स्ट है वाई की पावर थ्री प्लस टू इक्वल सेवन ये भी नहीं होगा आप, आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं होगा क्योंकि क्यों यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है वाई और कोई तो वेरिएबल है ही नहीं है एक्स वाई जेड तो इसलिए नहीं होगा बिकॉज वन वेरिएबल तो है मगर पावर भी क्या होनी चाहिए उसकी वन होनी चाहिए यहाँ पर पावर क्या है थ्री तो इसलिए डेट्स वाई ये नो होगा बिकॉज दिस इक्वेशन है पावर थ्री फिफ्थ है वाई की पावर वाई अपॉन थ्री प्लस सेवन इक्वल नाइन तो ये होगा येस yes. क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है वाई और उसकी पावर मतलब कुछ नहीं है और डेट मीन्स वन है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यस नेक्स्ट है सिक्स टी वाई थ्री माइनस फोर इक्वल सिक्स ये भी ऐसा होगा क्योंकि टी अल्फा जो टी अल्फा वेट है टी वेरिएबल है तो उसकी भी पावर यहाँ कुछ नहीं है डेट मीन्स वन है तो ये लीने इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो वेरिएबल्स जो जिसमें सिंगल एक वन वेरिएबल हो और उसकी पावर वन हो लीन इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कहलाते हैं आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन बी सॉल्व सॉल्व करना है देखिए इसमें ट्रायल और एरर मैथड था वो मैंने आपको नहीं कराया सिंपली सॉल्व करना है इसको आप सिंपली सॉल्व करना है तो जो कि क्या करते हैं एलजेप्टिक में टी माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू फोर है जो भी अल्फ़ावेट यहाँ पर दिया होता है गिविन ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हमें लिखो क्या दिया हुआ है टी माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू फोर तो देखिए हमारा एक रूल होता है कि इक्वल में कोई नंबर अगर यहाँ से नेगेटिव होता है तो उधर जाके इक्वल्स के राइट हैंड जाकर पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल के उधर बेचते तो डिवाइड में जाता है और डिवाइड में होता है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो देखिए यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो नंबर को नंबर से सॉल्व करेंगे अब देखो टी को मुझे उधर भेजना है राइट हैंड साइड में तो टी क्या है तो, सॉरी ट्वेल्व को हमें उधर भेजना है तो ट्वेल्व क्या है नेगेटिव उधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो फोर के राइट हैंड साइड में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस ट्वेल्व और फोर और ट्वेल्व को हम ऐड करेंगे तो टी की वैल्यू मिलेगी सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सेकेंड है टू एक्स प्लस ट्वेल्व इक्व टू एटीन यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी जो भी अल्फाबेट होता है उसके निकालते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तो एक्स के टर्म टू है है ना एक्स के सामने तो टू है तो हम पहले नंबर से नंबर को सॉल्व करेंगे जिसके साथ कोई भी है एक्सप्रेशन नहीं है ठीक है तो एटीन है तो ये प्लस का ट्वेल्व उधर जाके क्या हो जाएगा इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा मैंने बताया प्लस का उधर जाके इक्वल के उधर जाके दूसरी साइड में माइनस हो जाता है तो एटीन में से ट्वेल्व गया तो सिक्स बचा टू एक्स क्या है टू क्या है एक्स के मल्टीप्लाई में टू एक्स का मतलब होता है टू मल्टीप्लाई एक्स और जो कभी नंबर किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसको उधर भेजेंगे अगर टू को उधर भेजेंगे तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में तो टू अपॉन सिक्स अपॉन टू तो टू को सॉल्व करेंगे इससे टू वन जो टू टू थ्री सिक्स तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी टू इक्वल्स टू एक्स माइनस प्लस सिक्सटीन प्लस का सिक्सटीन को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ट्वेंटी टू में सिक्सटीन गया तो सिक्स तो एक्स की वैल्यू भी आ गई सिक्स नेक्स्ट देख लेते हैं सी सोल्व द फॉलोइंग्वेशन इसमें मैंने सिक्स क्वेश्चन करा सिक्स क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से फोर मैंने खुद सॉल्व किए हैं आपके सामने कराऊंगी मैं और फाइव सिक्स होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है सो लेट सी वन बाई वन फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्री एक्स फाइव फाइव प्लस वन इक्वल्स टू वन अपॉन्ट फिफ्टीन ठीक है यहाँ पर भी हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइव हंड्रेड करनी है तो सबसे पहले मैंने इस वन को क्योंकि एक्स का टर्म जिसके संग एक्स की कोई भी नंबर होता है उसको वहीं रहने देते हैं उसको उन्हें हम छेड़ते हैं बाद में चेंज करते हैं तो पहले जो x के साथ में जो नंबर्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो ये नंबर है और ये भी नंबर है तो ये प्लस उधर जाके क्या हो गया माइनस आप देखिए ये रेशनल नंबर है ये सिंगल वन है तो इसको भी हम क्या करेंगे नीचे वन लिख के रेशनल नंबर बना लेंगे तो एक्स अपॉइंट फाइव इक्वल फिफ्टीन और वन के एल्सियम फिफ्टीन होगा फिफ्टीन के टेबल में फिफ्टीन वन टर्म वन का मल्टीप्लाई वन में किया वन माइनस लगाए माइनस वन के टेबल में फिफ्टीन आता है फिफ्टीन के टर्म फिफ्टीन का मल्टीप्लाई वन में फिफ्टीन

थ्री एक्स इक्व टू फाइव एक्स माइनस का एट बाय थ्री ठीक है तो हम एक्स से एक्स को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर टर्म एक ही है यहाँ पर कोई और नंबर टर्म तो है नहीं है जिसमें एक्स की वैल्यू ना हो तो देखिए एक्स से वेल को एक्स का सॉल्व करेंगे थ्री एक्स फाइव एक्स क्या है कुछ साइन है यहाँ पे नहीं है डैट मीन्स ये क्या है पॉजिटिव है पॉजिटिव का इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव और इसको हम माइनस के एट बाई थ्री को ऐसे ही लिखेंगे थ्री एक्स में से फाइव एक्स किया तो मिलेगा माइनस का टू एक्स और ये है माइनस का एट बाई थ्री माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई मतलब का टू एक्स मतलब टू मल्टीप्लाई एक्स तो टू कहाँ जाएगा नीचे टू जाएगा डिवाइड में तो एट अपॉन थ्री मल्टीप्लाई टू ठीक है तो टू से इसको काटेंगे टू वन जी टू टू फोर जो तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू फोर बाय थ्री क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं एक्स प्लस सेवन माइनस का सिक्सटीन एक्स बाय थ्री इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस का सेवन एक्स बाय टू सबसे पहले जितने भी एक्स का टर्म है देखिए एक्स का टर्म एक ये है एक ये है और एक ये है इसको सॉल्व कर लेंगे देखिए ये तो पहले से यहाँ था देखिए क्या किया एक्स को ये लिखा सिक्सटीन माइनस थ्री को यहां लिखा ये अलग अलग है सॉरी एक्स ठीक है एक्स उसको माइनस का सिक्सटीन बाई थ्री लिखा ये माइनस के इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव सेवन एक्स बाय टू इक्वल ये ट्वेल्व यहाँ पे था ये प्लस उधर जाके नंबर से नंबर को सोल्व करेंगे तो प्लस का सेवन उधर जाके क्या हो गया माइनस आप क्या करेंगे वन थ्री और टू एल सेम लेंगे सिक्स आएगा वन के टेबल में सिक्स सिक्स टर्म सिक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे सिक्स एक्स माइनस लगाए माइनस लगा दिया थ्री के टेबल में सिक्स आता है टू टर्म टू का मल्टीप्लाई सिक्सटीन एक्स में करेंगे तो सिक्सटी मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस लगाए प्लस लगा दिया टू के टेबल में आता है थ्री टर्म्स और थ्री का मल्टीप्लाई सेवन में करेंगे ठीक है इसके बाद इक्वल में ट्वेल्व माइनस सेवन हो गया फाइव सिक्स एक्स सिक्स थर्टी टू एक्स से ट्वेंटी वन एक्स ठीक है इक्वल फाइव ये क्या है इसके डिविजन में तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा देखिए ट्वेंटी वन और सिक्स को ऐड करेंगे दोनों ही प्लस के हैं ट्वेंटी सेवन हो जाएगा माइनस का थर्टी टू फाइव सिक्सर थर्टी ट्वेंटी सेवन में जब थर्टी टू किया तो हमें मिलेगा माइनस का फाइव एक्स माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का फाइव एक्स इन दोनों के बीच में ये देखिए माइनस कहाँ जाएगा रिलेशन मल्टीप्लाई का तो माइनस का फाइव कहाँ आ जाएगा डिवाइड में तो फाइव वन जब फाइव फाइव सिक्सर थर्टी तो हमारा एक्स की वैल्यू आएगा माइनस का सिक्स सॉल्व किया देखिए एम माइनस एम माइनस वन बाई टू इक्वल वन माइनस एम माइनस टू बाई थ्री जितने भी एम के नंबर हैं इसको एक साइड कर लेंगे देखिए ये पहले से यहां था माइनस ये पहले से यहां था और इस वाले को भी हम यहाँ ले आएंगे तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और इक्वल में वन इन सबका एलसीएम लेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सिक्स आ गया सॉल्व करेंगे सॉल्व करने पे एम की वैल्यू में मिलेगी सेवन बाई फाइव क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव आपको ऐसे ही होमवर्क में करना है एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है एल्जअपरा का मैंने एक ही एक्सरसाइज बोला था तो आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस इसकी अच्छे से आई होप यू इंजॉय इट थैंक यू फॉर वॉचिंग